आप सभी को मेरा राम राम। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाडिबेट में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम दर्शन की। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। 500 सालों के इंतजार, सदियों के धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद प्रभु राम आखिरकार आ ही गए। देश में आज दिवाली सा माहौल है, हर ओर उत्सव का माहौल है। हर कोई इस मौके पर पीएम मोदी ने अयोध्या से देश को संदेश दिया था, उनके लिए राम क्या है यह भी बताया। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, मंदिर निर्माण में बाधा डालते थे, पीएम मोदी ने उन पर भी जोरदार प्रहार किया है। इन शब्दों को धैर्य से सुनिए, इनमें राम का विचार और सदियों का सार है। सुनिए आप। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। तो राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। हालांकि ये वक्त सियासत या राजनीति का नहीं है, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में भी कोई सवाल है जिसके जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। सवाल नंबर एक देख लीजिए। सवाल नंबर एक ये कहता है कि मोदी का राम दर्शन विपक्ष को क्या संदेश, मोदी का ये राम दर्शन है विपक्ष को क्या संदेश है इस राम दर्शन से। तो जिन्हें था आग का डर उनको मिला जवाब। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया है आग का हवाला देते हुए कि आग लग जाएगी, देश में दिवाली है, क्या करेंगे विरोध करने वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि आज के दिन दीपावली मनाइए, दीपक जलाइए, तो पूरा देश आज एकजुट होकर दीपावली मना रहा है, दिवाली मना रहा है, दीपक जला रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, विरोध करने वाले क्या करेंगे आप। चलिए, और खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सेल उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से, और हमारे साथ पंडित रामकृष्ण मिश्र जी जुड़े हुए हैं, संस्थापक हैं ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ओरछा धाम। आप सभी को मेरी राम राम। सबसे पहले धनंजय, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्या कुछ रिएक्शन आपका आज के इस ऐतिहासिक पल पर
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। भूपेंद्र जी, देखिए प्रभु की महत्ता का कोई भी कार्यक्रम है जी स्वागत योग्य है जी प्रभु तो कण कण में बसे हुए हैं, हजारों साल से जो है उनकी महत्ता इस देश में है जी। हमारे आचार विचार, हमारी जो है संस्कार, हमारी जो है हर धमनियों में बहते हुए रक्त में डीएनए के रूप में वो मौजूद है, तो इसमें जो है आश्चर्य प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। प्रभु सबके हैं, प्रभु सबके रहेंगे और प्रभु सबके जो है अनंत काल तक रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी? आप वो कहते थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी है, उनका यही कहना था कि प्रभु हमें क्षमा करें, हमारी पूजा में ही कोई कमी रह गई होगी कि इतने सालों का इंतजार आपको करना पड़ा, सरकारें आई गई लेकिन कोई आपको गर्भगृह तक नहीं पहुंचा पाया। भूपेंद्र जी, कुछ संदर्भों में वो ठीक कह रहे हैं, ये तो 1889 में ये मंदिर बन गया होता जी, अगर जो है इसमें जो है अड़ंगे नहीं लगाए गए होते जी। आदरणीय राजीव गांधी जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया था जी, तब भी जो है इसी तरह जो अभी जिस तरह से धर्माचार्यों के माध्यम से जो है जो बातें आई हैं जी, ऐसी बात सभी की थी और राजीव गांधी जी ने प्रयास किया था कि सारे लोग एकमत हो जाएं, तीन शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे, चौथे ने नहीं किए थे, तो उनकी सहमति के लिए भी प्रतीक्षा की गई, तो ये कभी भी जो है ये सभी पार्टियां सभी लोग सभी दल इस बात पर सहमत थे और अभी भी सहमत हैं, अभी भी जो है भगवान के महत्तम को सभी स्वीकार कर रहे हैं, कोई इसमें पीछे नहीं है और जो लोग इसे जो है इसका इसको अपने मतलब निजी तौर पर ये सोचते हैं कि वही उन्होंने ही सब कुछ किया है तो वो भी ये सोचने के लिए स्वतंत्र है, ईश्वर जो है हो सकता है उनसे ये बुलवा रहा हो कि वही भगवान को लाए हैं, जो भगवान कहीं गया ही नहीं कण कण में व्याप्त था उसे भी लाया जा सकता है, ये भी एक हो सकता है परम सत्ता का ही इस आदेश हो, हमें इसको भी स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। ठीक ठीक है, चलिए लौटूंगा मैं भूपेंद्र जी आपके पास। अजय धवले जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे देश में दीपावली सा माहौल है, 500 सालों का इंतजार और कठिन परिश्रम कार सेवकों का, उनका जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस ऐतिहासिक पल के लिए। अजय जी, पहली बात तो देखिए सुनील जी की सभी को आज की इस राम दीपावली और राम ज्योति की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर से 1528 से यह आंदोलन शुरू हुआ और आज हम 2024 में हैं, तो इतने वर्षों तक अनगिनत लोगों के असंख्य लोगों के बलिदान लगे, असंख्य लोगों की शक्ति लगी, असंख्य लोगों के तप तपस्या और परिश्रम का यह परिणाम है कि आज ये भव्य दिव्य राम मंदिर और हमारे रामलला अपने वर्तमान जन्म स्थान में और वर्तमान मंदिर में जन्म स्थान पर आज विराजे हैं। सुमित जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात आज जो कही कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि राम विवाद नहीं राम समाधान है, तो हमें इस बात पे भी मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि इतने वर्षों तक क्या वास्तव में इस विषय पर विवाद करने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रसंग याद दिलाया कि भारत की संविधान की मूल प्रति में जब भगवान राम का चित्र था तो क्या आवश्यकता पड़ी थी कि देश के संविधान में तथाकथित लोगों के कहने पर एक वर्ड सेक्युलर घुसा दिया गया और वो इसलिए घुसा दिया गया कि आपको कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी, आपको देश में एक उड़दाइन को सिक्योर करना था। आज मेरे मित्र भूपेंद्र जी कह रहे थे कि राजीव गांधी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, निश्चित तौर पे उनके उस योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता कि शाहबानो जजमेंट के बाद में इस देश ने जो इस देश सांप्रदायिक नहीं था इस देश को सांप्रदायिक बनाने का काम भी उन्हीं की सरकार ने किया है, तो आज देखेंगे सुनजी कि आज देश का जच्चा बच्चा और गली गली में संकीर्तन हो रहा है, देश में राम दीपावली मनाई जा रही है, राम ज्योतियां जलाई जा रही है और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत ये क्षण जब आया है तब हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के नाम है, अभी तो 140 करोड़ नहीं है संपूर्ण विश्व के नाम है, संपूर्ण राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है, उसमें हमारे मित्र कांग्रेस भी है, विवाद करने की आवश्यकता नहीं थी सुमित जी, निमंत्रण मिला था सहजता से स्वीकार करना था और उस निमंत्रण के
स्वरूप वहां जाना था, भगवान श्री राम राम को इसका जवाब हम ले लेंगे, इसका जवाब हम ले लेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी से। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, आपको भी राम राम। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शर्मा जी आपको भी मेरा राम 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 और प्रणाम। पंडित रामकृष्ण मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण मिश्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐतिहासिक पल पर, बेसब्री से पूरा देश आज इस पल का इंतजार कर रहा था। पंडित जी श्रीमान जी, सभी देश राम भक्तों के लिए शुभकामना और सबको सबको राम राम। आप क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी समस्त विश्व को यह बताना चाहता हूँ कि सब राम समस्त विश्व के हैं, क्योंकि राम पर सच्चिदानंद परिधामा है और राम समस्त जीवों के अंदर रमने वाले हैं, क्योंकि रमन्ते योगिनो लन्ते सच्चिदानंद विग्रह। और यहाँ तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम राम की जो समस्त विश्व में जी रमता है वही राम है। और जी वाल्मीकि जी ने भी कहा है जी यन माया वशीभूत वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि रेवासुरा यत् सत्वादमसैव वाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा जी तत् तत्पाद प्लव मेक में वही बवाम बोधे स्थिति सावताम वंदे हम तमसेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात समस्त जो कण कण में विद्यमान है, जैसे बिल्कुल निश्चित तौर पर कण कण में राम है, कण कण में राम है और रोम रोम में राम बसे हुए हैं। पंडित जी मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपसे तीन शब्दों पर मैं रिएक्शन चाहूंगा, बीजेपी सनातन और मौजूदा सियासत। शर्मा जी देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस किया है उसमें सबसे अच्छी चीज कही कि संविधान में जब राम है, राम का उल्लेख है जी। आपको पता है कि गांधी से बड़ा राम भक्त आजादी के पहले शायद कोई दूसरा नहीं, मरते समय भी उन्हें हे राम कहा, यानी कि राम की आइडियोलॉजी पर कांग्रेस चलती है। तो राम की विरोधी कैसे हो सकती, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंद गुप्ता जी आज पीले कुर्ते में है, त्रिपुंड लगाए जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एक चीज जरूर है कि जब 500 सालों की लड़ाई, शर्मा जी यही तो हमारे देश की खूबसूरती है जी, जब 500 सालों की लड़ाई है जिसमें ना तो उस समय कोई कांग्रेस थी, ना भाजपा थी, ना आरएसएस थी, ना जनसंघ था, तो ये लड़ाई तो इस देश के लोगों की है। इसलिए इसको पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर ले जाकर कहीं ना कहीं इसको देश की जीत या देश की खुशी, आज पूरा देश कहीं ना कहीं राममय, हमारे पैनलिस्ट भी राममय दिख रहे हैं, इससे खुशी का अवसर और क्या हो सकता है। और ये मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये राम हमारे नहीं बल्कि सबके है, राम वाकई सबके, राम एक विचारधारा है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम वो भगवान है जिनको ना केवल हिंदुस्तान बल्कि इससे परे कई देश जो सनातन में यानी हिंदुत्व में नहीं सनातन में विश्वास रखते हैं वो भी राम की विचारधारा पर यानी राम की आइडियोलॉजी पर चलने को आतुर हैं। ऐसे में आज 500 साल की लड़ाई इस हिंदुस्तानियों को जीत मिली है, यानी उनकी रामलला भव्य मंदिर में पधार गए हैं, तो इससे खुशी का अवसर क्या हो सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग से काफी परे है, हालांकि भले ही अपकमिंग समय में इलेक्शंस हैं उसको लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तय है कि किसी ने भी किया हो, कोई भी देश का नेता हो, राजा हो, उसके कार्यकाल में हुआ है तो उसको श्रेय जाना लाजमी है। जबकि जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडाज थे उसके मुख्य एजेंडा में कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या एक बड़ा फैक्टर था, इसलिए अगर उनकी खुशी ज्यादा है
तो इस पर कोई आश्चर्यचकित होने की मतलब प्रयास प्रयास कांग्रेस ने भी किए, लेकिन लेकिन उस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाया बीजेपी ने। जी मैं लौटूंगा सर आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस ऐतिहासिक पल पर आज? सुमित, वाकई में आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक है। लगभग 700 साल के बाद यह अवसर आया है जब बाबर ने उस समय प्रभु श्री राम की पूजा पर रोक लगाई थी। उसके बाद न जाने कितने राजा महाराजा वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, और उस संघर्ष के बाद आज का ऐतिहासिक दिन आया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि में, राम मंदिर जन्मभूमि पर हुई है। तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन है, और चूंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो उनके खाते में ये इसका श्रेय भी गया है। लेकिन मैं सुमित थोड़ा सा आपका ध्यान पिछले संघर्ष की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ था तो मुझे लगता है उसके बाद सबसे पहले जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को तेज किया था। पूरे देश में एक अलग जगाई थी, जागरूकता लाई थी, और उसके बाद जो संघर्ष हुआ था उसमें हम अशोक सिंघल जी और गिरिराज किशोर जी के संघर्ष को भी हमको याद करना चाहिए, जिन्होंने लंबे समय देश में राम जन्मभूमि को लेकर के आंदोलन चलाया, जागरूकता लाई, और उनके संघर्षों के कारण ही आज ये दिन आया है। तो आज का दिन मुझे लगता है कि ये न तो राजनीतिक बहस का है और न किसी तरह के कोई श्रेय लूटने जैसा है, लेकिन ये मानना चाहिए कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि जो 700 साल से हमारे प्रभु श्री राम की पूजा पर रोक लगी हुई थी, आज वो अपने वापस उस स्थान पर विराजे हैं जिस स्थान पर उनका हक था, और प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट गया है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक गौरव की बात है। बिल्कुल, लौटता हूँ सर आपके पास। मैं भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बेहद खूबसूरत बात कही आपको लेकर कि आप भी पीला वस्त्र पहनकर आज आए हुए हैं, बैठे हुए हैं हमारे साथ, माथे पर तिलक लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन आज अयोध्या में अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी भी होते तो कुछ बात ही अलग होती। भूपेंद्र जी, देखिए जो है आज भगवान राम के जो है उत्सव है जी, उसमें बहुत सारी राजनीतिक बातें करके इसको दूषित करना नहीं चाहिए जी। ये आध्यात्मिक समय है और आध्यात्मिक चर्चा इसमें होनी चाहिए जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जी कि समस्त मीडिया बार बार ये कह रहा है कि राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी को तो वहां इन्वाइट ही नहीं किया गया, और ये स्पष्ट कर दिया गया सर देश की सत्ता की तरफ से कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है केवल वो ही आएंगे, तो राहुल गांधी वहां कैसे हो सकते। सोनिया गांधी जी को जरूर आमंत्रण दिया गया है, उनकी अपनी जो है स्वास्थ्य की जो है समस्याएं हैं ये पूरा देश जानता है, तो इस बात को बार बार ये कहना राहुल गांधी इसको आपने आमंत्रित ही नहीं किया, उसको बार बार करने का एक राजनीतिक हेतु तो हो सकता है लेकिन इसका धार्मिक हेतु क्या है। राहुल गांधी जी असम में थे तो असम में मंदिर गए, वो राम मंदिर में जा रहे थे, किस तरह पुलिस ने रोका आपने देखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम का जो महत्व है वो भारत तक सीमित नहीं है। आज हजारों साल पहले, 1100 साल पहले इंडोनेशिया में भी राम की पूजा होती थी। फिजी में, फ्रेंच गयाना में, डच गयाना में, ऐसा कौन से देश है जहाँ भगवान राम की पूजा नहीं हो रही? वहां तो ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कुछ है। तो राम का जो महत्व है वो तो अक्रॉस जो है पूरा जो है पैन इंटरनेशनली कहीं पे उपस्थित है, और उनके महात्म को किसी ना किसी स्वरूप में लोगों ने स्वीकार किया है। तो हम उस महात्म की चर्चा नहीं करते, हम लोग राजनीति की चर्चा करते हैं, हम लोग जो है किसको श्रेय मिलेगा, किसको वोटें मिलेंगी इसकी चर्चा करते हैं। किसी को भी वोट मिल जाए, किसी को पूरी 100% वोट मिल जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन राम का महात्म्य स्थापित हो रहा है, राम भगवान की जो है स्तुति हो रही है, हमारे लिए काफी है। ठीक है जी, ले लें पूरी 100% वोट। चलिए ठीक है, अजय जी ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे, अजय जी क्या कहेंगे जी? समाज है, उस समाज को हम जो है राम राम काज की, राम राज की रास्ते पर कैसे चला सकते हैं, कैसे हम जो है उन नीतियों का अनुपालन कर सकते हैं जो भगवान राम ने स्थापित की थी। आज इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो पिता के आदेश के लिए इतनी बड़ी सत्ता को लात मार के बाहर चले जाए, वनवास चले जाएं,
हम उसकी चर्चा नहीं करते, उस त्याग की चर्चा नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है, भूपेन जी लौटता हूँ, भूपेन जी लौटता हूँ मैं, ठीक है लौटता हूँ सर मैं आपके पास। अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अजय जी बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में ही कहा कि वास्तव में होना क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हो रहा है, और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष ऐसी भूमिका निभाए कि ये भारतवर्ष जो गौरवशाली भारतवर्ष था, जहां अध्यात्म और अध्यात्म की अस्मिता का विषय होता था, वो आज विश्व गुरु बने। किसी वजह से बने, क्योंकि हमारे संस्कार हमारे विचार ये राम के राम राज्य से आते थे। प्रभु श्री राम ने लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा गढ़ी थी जो वास्तव में समूचे विश्व के लिए उदाहरण है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने भी आज यही कहा कि ये भारत की दृष्टि, भारत का दर्शन, इसे विश्व का दर्शन बनाना है। 1000 वर्षों का लक्ष्य उन्होंने आज देश के सामने रखा। तो निश्चित रूप से एक सशक्त विपक्षी भूमिका भी यही रहेगी कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करते हुए जो लोग, जो दल या जो समाज या संत समाज इस विषय को आगे बढ़ा रहा है, निश्चित रूप से उनका साथ देने की आवश्यकता है। राजनीति के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन वो तो ये बात तो भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी असम में राम मंदिर गए थे लेकिन उनको रोक दिया गया, धरने पर बैठ गए वो। अजय जी 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 पहली बात तो सुमित जी वहां समझना चाहिए था कि वहां की जो मंदिर ट्रस्ट था उसने कैटेगरी के लिए कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना होगी, उसके पश्चात राम मंदिर, उसके पश्चात मंदिर दर्शन आ सकते हैं। तो यह देश को बताने की आवश्यकता है कि उस समय मंदिर आने नहीं दिया गया, ये थोड़ा सा देश के सामने उन लोगों को स्पष्ट भी करना चाहिए। और कल किस प्रकार से राहुल गांधी जी की रैली के समय जय श्री राम के नारे लगे, तो राहुल गांधी जी डेस्परेट होकर उन लोगों के ऊपर हताशा निराशा प्रकट कर रहे थे, वो भी देश ने देखा है। तो हमको राम भक्ति आज जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी है उनकी दिखेगी, जिनकी नहीं है उनकी विदेश को दिखेगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 500 वर्षों के बाद अब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, क्या इस ऐतिहासिक पल के बाद एक बार फिर से सनातन को एकत्रित करने का, हम कह सकते हैं इकट्ठा करने का काम बीजेपी सरकार ने यहाँ पर किया है, जगाने का काम बीजेपी सरकार ने यहाँ पर किया है? देखिए, इसको धर्म या राजनीति से नहीं जी बल्कि संस्कृति से जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति में राम है, और अगर हम संस्कृति को बचा रहे हैं तो एक सरकार की जिम्मेदारी, चाहे वो उस समय कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो। देखिए, जो इन्विटेशंस थे, गोविंद गुप्ता जी ने एक चीज कही अभी, जो इन्विटेशंस थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ्स को दिए गए थे। एक उसका प्रोटोकॉल था जिसके तहत अगर लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन लोगों का ना जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने के लिए एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। तो ये जो चीज है वो कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्यों किया? आई थिंक उसको जाना चाहिए था, लेकिन ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। भले नरेंद्र मोदी जी का स्पीच आप नहीं सुनते, लेकिन कॉन्सेक्रेशन प्रोग्राम में आपको शरीक होते तो देश के अंदर एक मैसेज अलग जाता। हालांकि हालात पार्टी के क्या है, उनकी क्या परिस्थिति है, ये वो पार्टी जाने, लेकिन ये तय है कि इसने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर शरीक होना, ये कहीं ना कहीं देश के जो राजा है यानी देश का प्रमुख है उसके जाने के रूप में देखना चाहिए था। या योगी आदित्यनाथ जी गए हूं, आपने देखा हो कि जितने भी बीजेपी लीड स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स नहीं गए, उनको नहीं बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम पॉलिटिकल आप उसको पहले से ही क्यों मान के चल रहे हैं, या नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन हो रहा है ये क्यों मान के चल रहे हैं? ये मान के चलना चाहिए था कि देश का राजा जा रहा है, देश का नेता जा रहा है। ठीक है, उसको वो तो धनंजय जी क्या आप भी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या विपक्ष को वहां पर जाना चाहिए था? एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं देश में जाता अगर विपक्ष वहां पर मौजूद होता तो। देखिए सुमित जी, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये एक देश की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न था प्रभु श्री राम का। तो इसमें कांग्रेस नहीं, सारे दलों को इस कार्यक्रम का मुझे लगता है समर्थन करना चाहिए था। और जिन लोगों ने आमंत्रण को ठुकराया, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या गैर राजनीतिक लोग हों, उन लोगों को भी मुझे लगता है कि ये अवसर ऐसा नहीं था कि जिसमें ठुकराया जाए, इस आमंत्रण को ठुकराया जाए। और ख़ासतौर से जो उस कुछ नेताओं ने उसके खिलाफ में बयानबाजी की कि हम नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे, तो उन्हीं के दल के कई बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम जाएंगे,
और वो देश की भावनाओं को समझ रहे थे, देश की नब्ज को वो अच्छे से समझ पा रहे थे कि देश की भावनाएं क्या कर रही हैं, लोगों का समर्थन किसके साथ है। ये दरअसल कोई राजनीतिक इवेंट नहीं था, ये देश की अस्मिता से जुड़ा इवेंट था, तो इसका ना तो विरोध किया जाना चाहिए था, ना कोई ऐसा बयानबाजी किया जाना चाहिए था जिससे उस कार्यक्रम को धक्का पहुंचे। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है अगर सब कोई साथ होते तो और बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को मेरा राम राम। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही।